अभी कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी हरियाणा के मदीना गांव में महिला किसानों के बीच धान की बुआई करते नजर आए थे। इस दौरान राहुल गांधी से काफी देर तक महिला किसानों की बातचीत हुई। राहुल गांधी ने महिला किसानों को दिल्ली उनके आवास पर आने और दिल्ली दर्शन का न्योता दिया था। न्योते के बाद इन सभी महिला किसानों ने दिल्ली में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। अब इसका एक और वीडियो सामने आया है। महिला किसानों ने राहुल गांधी के घर पर खाना खाने के साथ खूब मजेदार बातें की थी। मदीना गांव से आए इन महिला किसानों ने राहुल गांधी को देसी घी, मीठी लस्सी और घर का अचार भेंट किया था। इन महिलाओं ने सोनिया और प्रियंका गांधी के साथ हरियाणवी गाने पर डांस भी किया। अब कांग्रेस ने महिला किसानों के दिल्ली दर्शन का पूरा वीडियो जारी किया है। मोतिया मोतिया हो गया, मोतिया हो गया जिसका। हम दिखवा देते हैं। दिखवा दो जी से तो पता नहीं। हेलो प्रियंका, क्या ये यहाँ पे सब 20 महिलाएं हैं, सब आपके घर आके खाना खाना चाहती हैं। आपने दिल्ली देखी है? ना जी। नहीं देखी? ना जी, हमने दिल्ली नहीं देखी। मैं आपके घर आऊंगी आपके भाई के साथ। राहुल की बेबे ना जी मारती फोन करा था, हमारे द्वारा बात करी थी, आप आ जाओ हम खाना खुआंगे, आप गाड़ी भी भेजेंगे और कभी भी टाइम लागे जब दिल्ली देख लो। हमने कौन दिल्ली देखा जी, कम कौन चलता हमारे में तो गरीब आदमी। हम चूरमा बना रहे हैं प्रियंका जी और सोनिया जी के लिए, चूरमा बना के लेके जाएंगे दिल्ली आज। आज हमारे लिए बहुत खास दिन है, आज हम बिल्कुल फ्री हैं और जाने के मूड में, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते भैया को खेती सिखाई? हाँ जी। नमस्कार। नमस्कार जी, अच्छे हैं आपसे मिलके और अच्छे हो गए। मोतिया था, एक आँख किया या दोनों आँख किया? दोनों, इसमें थोड़ा है इसमें था गणा। कैसा लगा दिल्ली, कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी। सपना देख रहे हैं। ये जी हमारा सौभाग्य है जो आपने हमारे को इनवाइट किया। देसी घी? हाँ जी, देसी घी है ये। ये गाय का है, ये भैंस का है। अच्छा। ये लस्सी है। ओहो कितना सारा सामान है। आपकी तो कई पीढ़ियों से ही त्याग चल रहा है। सलूट है मैम आपको, धन्यवाद हमारे जो कि मतलब आपके साथ साथ दर्शन होने लग रहे हैं। ये देखो अग्निवीर का जब लागू किया तो कितने बच्चों ने सुसाइड किया, तो बच्चे को 5-4 साल के वो कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ मैम? ये देखो नौकरियां तो खत्म कर दी, अब गरीब बच्चे, ये देखो मतलब गरीब इंसान उसमें पढ़ा रहे हैं, खेतों में बाढ़ आ जाती है, कोई मुआवजा नहीं मिलता। GST लागू कर दी, छोटी सी मोटर लेने जाते 12,000 की मिलती है। अच्छा सिलेंडर बढ़ा दिया, बिजली के बिल इतने हम भर नहीं सकते। राजीव जी जाने के बाद उस स्थिति में मतलब कैसे मैनेज किया? भाई बच्चे भी थे, दुख बहुत गहरा था, बहुत गहरा। चोट इतनी बड़ी छोड़ के आई थी, कई दिनों के लिए खाने भी नहीं, परेशानी बहुत आई थी, बहुत आई थी। चलो ये तो खुश है। शादी कर रखे राहुल, आप लड़की ढूंढ लो ना, हो जाएगी। मतलब 6-7 घंटे रोज डेली चलना, थोड़ा मेरे घुटने में भी दर्द हो रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, पर निकाल लिया, बहुत बढ़िया था। बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब नई चीज़ ये मिली कि मतलब कुछ भी करना हो अगर मन बना दिया तो किया जा सकता, संघर्ष करना पड़ता है और हो जाता है। पहले हमने शुरू किया तो सोच रहे थे कि भाई कैसे चलेंगे, 4,000 किलोमीटर है, मगर फिर आस्ते आस्ते हो गया।
जैसे आपकी सिस्टर भी वो भी राजनीति में है, आपकी मदर भी जो आपकी दादी थी वो भी, तो इतनी स्ट्रॉन्ग महिला है आपकी फैमिली में, आपको कैसा फील होता है इनके प्रति? महिला में कोई कमी नहीं होती, कोई दबने की जरूरत नहीं है, समाज दबाता है मगर आपको नहीं दबना चाहिए, जो दिल में आपको बोलना चाहिए बिना डरे, और काम तो जरूर करना चाहिए कोई ना कोई काम। मुड़ा जी राहुल गांधी कैसे आए? हाँ जी राहुल गांधी कैसे आए? हाँ जी बुला रखे थे, हाँ जी बुला रखे थे लंच पे, बुला रखे, हाँ जी लंच पे बुला रखे थे जी, भूपेंद्र जी का धन्यवाद, उड़े बुला रखे थे। अच्छा दिल्ली से आए? हाँ जी मिला, फिर राहुल गांधी मिले जी, सोनिया मिली, प्रियंका मिली, सभी मिले मामा उसी गांव से, वहाँ पे जीप लगा के आए थे, वो ट्रैक्टर लगाया था चला था जी, हमें सारे परिवार से मिला जी, इंदिरा गांधी के पोते है बेटे से पोती से बहू से सबसे मिले जी, राहुल गांधी ने, राहुल गांधी ने जी, राहुल गांधी ने बुलाया था, राहुल गांधी ने बुलाया था। मुलाकात कहाँ हुई? सोनिया गांधी की आवाज पे, सोनिया गांधी के घर पे, यही जी जमीन थी ये भटूरे थे जी, ये इस तरह सौदा था जी, तमाम खाना था जी, सारे मदीना से हो आप लोग?